बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी 2024, आज जुमे का दिन और एक यौम सयाह यानी के इंडिया का आज यौम जमहूरिया है या जो भी है उस पर हम सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। और जिस तरह के ये लोगों की आज़ादी पामाल कर रहा है वो आप सबके सामने, बहरहाल इसकी जितनी भी तनकीद करें मजम्मत करें वो कम है। इसके अलावा इलेक्शन ज़ोरों पे हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे कैंडिडेट्स चुनेंगे, बेहतरीन कैंडिडेट्स चुनेंगे। ये जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं हमने 1-2 साल बारी की, 3 साल बारी, इन सब को आप नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि आप जो भी वोट देंगे इससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। तो अगर आप बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारेंगे और इन्हीं लोगों को देंगे जो अपनी बारियां लेने वाले हैं, तो पाकिस्तान तो बस उसका खुदा हाफिज़। वो पूरा मुझे एक वो मिसरा याद आ गया, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। तो अगर गुलशन बनाना है तो गुलशन को तरोताज़ा रखिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए। नहीं बनाना तो ठीक है, इन्हीं लुटियारे भगियारे खुशियारों को वोट दे दीजिएगा। बहरहाल ये तो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आज हम 3 स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं और एक स्क्रिप्ट तो बड़ी ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट का है जो कि हमारी पेशन गोई सही साबित हुई। चले मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर बाबर जीरुद्दीन, एक और वीडियो के साथ हाजिर हो रहे हैं। ये वीडियो हम कोलगेट के ऊपर बना रहे हैं, ये तारिक सईद खान और आबिद हुसैन की फरमाइश पे। जनाब जब पिछली दफा हमने इसको किया था तो ये इसका रेट कितना था जी, ये निकाल रहे हैं 10/11/2023 को हमने ये किया था, उस वक्त ये रेट 1634 रुपीज है, अब इसका रेट 1561 है। मतलब ठीक ठाक इसको जाना 125-150 रुपए की गिरावट है और ये अपने 52 वीक के रेंज के दरमियान आ गया है, मतलब 10,500 से लेके इसको 2,2185। तो बहरहाल इसको अब मीडियम रेंज में आया है, इसके अब जो रेंज आया है वो आप शेयर कर लेते हैं। अभी जो आया है वो उसका रेट जो है वो 1,561, तो काफ़ी नीचे बतदरी ऐसा ऐसा आ रहा है। इसके हम बाकी फाइनेंशियल देख लेते हैं, इसकी EPS 42.88 आ रहा है और उसके बाद हम इसके देख लेते हैं गेयरिंग रेशो भी इसका 7-10 आ रहा है। यही बात इसके बारे में है कि जी 29 जनवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग है 5 बजे लक्सन स्क्वायर बिल्डिंग नंबर 2 सरवर शहीद रोड कराची। देखिए ये क्या देता है, पिछली दफ़ा इसका जो इसने डिविडेंड दिया वो आप ज़्यादा शेयर कर लेते हैं। पिछली दफ़ा का डिविडेंड इसका जो आया है वो जब 50% फाइनल डिविडेंड दिया था उससे पहले 400% टर्म डिविडेंड दिया, 100% बोनस। तो मेरे हिसाब से इस वक्त भी इसको अच्छा देना चाहिए क्योंकि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, मगर इसकी शेयर प्राइस थोड़ी सी गिर गई है। क्यों गिर गई है, परफॉर्मेंस की वजह से गिर गई है। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे इर्द गिर्द चैनल का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन्नबी।